एकदम मालूम पड़ जाता है कि हम लोग एकदम स्वर्ग में पहुंच गया, जहाँ अपन रहते हैं वैसा लगता है कहाँ नरक वरक में रहते हैं। इतना बड़ा सीन हो गया था, मतलब मेगा ब्लॉक थी और ट्रेन बहुत गर्दी थी, बहुत गर्दी जाते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड इन अदर ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग, उधर लगता है सब बढ़िया रहेंगे, अच्छे रहेंगे और भी मस्त रहेंगे। सो आज का ब्लॉग है स्पेशली, मतलब बोल नहीं सकता क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग और वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, मतलब कुछ बोल नहीं सकते अभी तक। जब उसका वीडियोस आएंगे तब आपको शेयर कर दूंगा वो क्या प्रोजेक्ट है हम लोग जो इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो प्रोजेक्ट पे कौन कौन है दिखा देता आपको, कर रहा है ज्यादा जने, सिर्फ कम ही जने दिखा देता हूँ। एक मैं हूँ और एक ये है और रिजवान है और एक बाबू है बस। फिलहाल जाने का हम लोग ट्रेन से CST या मरीन ड्राइव जाएंगे, दोनों में से ऑप्शन नहीं है। हाँ बंदे मेगा ब्लॉक लगा ना उसके लिए, तो अभी 4 बजे तक खुल जाएगा, टेंशन नहीं है। उधर चल चल के ट्रेन आ जाएगी, तो उधर जाके बता दो आपको क्या है क्या नहीं सीन। थोड़ा सीन हो गया था, मतलब मेगा ब्लॉक थी और ट्रेन बहुत गर्दी थी, बहुत गर्दी। और ये मैं और ये हम लोग इधर खड़े प्लेटफॉर्म पे, और जो रिजवान है चढ़ गया, बोगी में चढ़ गया और ट्रेन स्लो स्लो निकलने लगी और बहुत गर्दी थी, चढ़ने लायक नहीं था, बस एक ही जन का जगह था उधर, तो चढ़ गया। हम लोग तीनों प्लेटफॉर्म पे रह गए। अभी उसको शकल देख दे रहा था, ऐसा होता ऐसा उसका रिएक्शन था। अभी वो चला गया, अभी 4 मिनट और ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आ गई है, वैसे भी टेंशन नहीं, तो अभी ये ट्रेन से चढ़ के उससे मिलना पड़ेगा। गाइस मिल गया हम लोग को हमारा लौटा बच्चा, बेचारा भाग गया था। ब्लॉग बनाना। सो गाइस यहां पे स्पेशली गोल्डन मैन खड़े हैं CST पे, गोल्डन मैन। गाइस वहां से हम लोग आ गए गोल्डन मैन को देख के, और अभी जा रहे हम लोग मरीन ड्राइव। फिक्स हो गया सबका, नहीं तो झगड़ा कर रहे थे, एक तो जाएंगे हम लोग गेटवे नहीं तो इधर मरीन ड्राइव, तो मतलब मेजोरिटी आ रहे थे मरीन ड्राइव जाने का पहले दो तो। चेक दिस आउट गाइस, हम पहुंच गए हैं मरीन ड्राइव, वो भी चौथी बार साल में। हाय हाय, जो यहाँ का जगह देखता हूँ मालूम पड़ जाता है कि हम लोग एकदम स्वर्ग में पहुंच गया, जहाँ अपन रहते हैं वैसा लगता है कहाँ नरक वरक में रहते हैं। आओ भैया, कहा आओ भैया, कैसा लग रहा है भैया, कैसा लग रहा है? अपन एक साल में 4 बार आ गए मरीन ड्राइव, अच्छा लग रहा है। ये मेरा ही है। हाँ क्या करूँ, कोई खरीद नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हो, खरीदेगा तो उसको 5-6 हजार में बेचूंगा। अभी हम लोग मरीन ड्राइव से निकल गए, बोर हो रहे थे उधर हम लोग, और अभी हम लोग जा रहे हैं किधर, चरनी रोड, चरनी रोड, तो हम लोग अभी जा रहे हैं चरनी रोड। और यहाँ पे एकदम मस्त लग रहा है, एकदम इवनिंग, जो बस घुमाती है मुंबई, पूरी मुंबई घुमाती है CST की। टाटा बाय 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 बाय। भाई सुन भाई, 50 रुपया गिर गया। गाइस चेक दिस आउट, ये फोन मेरे को दूर से देख के बोली थी तेरी औकात नहीं चलाने की, मेरी औकात ये फोन चलाने की, चला रहा है बंदा इतना बड़ा LED लगा के, सोच कर डॉट स्पॉट नीचे ले लिया और क्या, इससे अच्छा अपना एंड्रॉयड फोन है भाई, एंड्रॉयड फोन में क्या क्या अपने को भी नहीं पता। मगर ये बात है, किडनी तो बेचनी पड़ेगी फोन लेने के लिए, मतलब उतने में भी नहीं आएगा, किडनी बेच के 2 किडनी बेचना पड़ेगा आधा सेफ खाने के लिए पब्लिक। मगर मेरा दोस्त कुर्बान कर रहा है, उसकी एक किडनी बेच रहा है मेरे लिए iPhone 14 ले ले भाई। 3-4 किडनी है ना, 2 मेरी 2 इसकी है, 2 इसकी बेच दूंगा, मेरी 2 बच जाएगी, तो चारों के पास आ जाएगा फोन। iPhone 13 A14 नहीं घर परिवार गली वाले सबको दे सकते हैं। सबसे पहले अभी अम्बानी ने फोन लॉन्च किया था ना जियो का, वो चला और खुश रहो। हाँ जियो पे तो नहीं क्या, नोकिया का डिब्बा वाला फोन आया, वो वाला आया, वो वाला आया। बंदे का सोच रहे शकल कैसा हो रही है, मतलब इतना खुशी खुशी सर्च मारा ऑफर आएगा, उसमें भी बता रहे तुम्हारे अवकाश से बाहर है, फोन मत लो, जियो का डब्बा ले लो और खुश हो जाओ। और भाई क्या मस्ती कर रहा है, मेरे को लगा गेट देख के मेरे को मालूम पड़ गया कि यही है चरनी रोड, वो बैंक के ना वाला यूनियन बैंक, वो हम लोग सिर्फ ना भाई 4 जन है, और वो ना 4 जन हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं उधर, उधर से जा सकते हैं पोछा लगाने का काम, पोछा तो लगाएंगे 4-5 महीने तक, आमिर सचिन और अमन, और मैं बैठ के देखूंगा भाई लोग क्या क्या कर रहे हैं, डेढ़ सौ रुपया दिन का देगा और इसको उससे डबल देगा, बस
और आउट वी आर फाइनली रीच्ड रेत, रेत पे पहुंच गया हम अभी। रेत, रेत के आगे समुंदर, रेत के आगे समुंदर, समुंदर के आगे और जाएंगे तो जंगल, जंगल के अंदर बंदर। आज संडे उसके लिए ज्यादा गर्दी है, देखो ना गर्दी, देखो यार गर्दी देखो, पापा की परिया तो बहुत आई है। सो यहाँ पे गाइस देखो, चेक दिस आउट, इतना मस्त कबड्डी खेल रहे भाई लोग, भाई एक नंबर काम कर रहे, एकदम बिल्ला बीच का मजे ले लेके कबड्डी खेल रहे लोग, एक नंबर भाई, कड़क कड़क कड़क, वाह वंडरफुल। और थोड़ा जरा भाई लोग के साथ खेलने के लिए हम लोग को भी वांटी बनना। अरे घर पे पहुंच गया पूरा मौज करके, मस्ती करके, और ये ब्लॉग मैं इतना ही रखता हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और क्या यार, मिलते हैं ब्लॉग में, बाय बाय, इग्नोर करो, चलो बाय।